खबर उत्तर प्रदेश से विधानसभा से जुड़ी हुई, जो कि बताया जा रहा है कि जो बजट सत्र है वो 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये बजट सेशन 13 तारीख से, यानी कि फरवरी महीने की 13 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार जो अनुमान है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पेश करने जा रही है, और ऐसी स्थिति में किन किन चीज़ों पर सरकार का ध्यान होगा, सरकार की प्राथमिकता में क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि कयास आ रही है कि बीच में किसानों को फायदा पहुंचाने या फिर दूसरे ऐसे बड़े कदम उठाए जाने की बातें की जा रही है, और इसी के जरिए से माना यह जा रहा है कि जो 5 लाख करोड़ रुपयों का बजट होगा इसके आधार पर बहुत सारे ऐसे कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने के संकेत मिल रहे हैं जिसके जरिए जनता को आसानी होगी। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से हरेंद्र चौधरी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, अब जाहिर तौर पर 13 तारीख माना ऐसा जा रहा है कि बजट तो शुरू हो रहा, मगर किस किस्म के बजट होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जब मैं बताना चाहूंगा कि 13 तारीख से 2020 का जो बजट सत्र है और इस साल का पहला विधानसभा विधान परिषद का सत्र होगा जो आयोजित किया जाएगा, और 13 फरवरी से विधान मंडल के बजट सत्र की शुरुआत होगी। और क्योंकि पहले दिन जैसी परंपरा रही है, संसदीय परंपरा है, उसके मुताबिक दोनों सदन विधानसभा विधान परिषद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाएगा, और खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, और उसके बाद अगले दिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल का जो आम बजट है वो पेश किया जा सकता है। और देखिए बजट की जहां तक बात है, अभी तक हमने देखा है कि वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के लिए जो बजट योगी सरकार की तरफ से पेश किया गया था, जो पहला आम बजट था पिछले साल, वो 4,79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था। उसके बाद जो पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया वो 13,000 करोड़ से ज्यादा का था, और दूसरा जो अनुपूरक बजट पेश किया गया वो 4,210 करोड़ रुपए का था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि योगी सरकार माफी चाहूंगा, जो योगी सरकार जो इस साल जो तमाम जो विकास योजना है जो संचालित है, और जो भविष्य के लिए जो एस्टिमेट जो बनाए गए हैं अलग अलग विभागों के, उसको देखते हुए एक बड़ा बजट पेश करेगी, और अब तक का सबसे बड़ा बजट इसको माना जा सकता है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट ये हो सकता है, और 5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा का बजट ये हो सकता है, और उम्मीद इसी बात की उत्तर प्रदेश की जनता लगा रही है कि हर वर्ग के लोगों को इस बजट के जरिए कुछ ना कुछ राहत और आसानी मुहैया कराने की बात और कयास सराही फिलहाल है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र।